तो गाइज हम लोग ताराचंडी पहुंच चुके हैं और ये एक ऐतिहासिक जगह है और माना जाता है कि यहाँ पर माता सती का दाहिना नेत्र गिरा था। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर ट्रैकिंग करेंगे पैदल, और उससे पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। और दोस्तों हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे और हम लोगों ने अभी पानी भर लिया ठंडा ठंडा, और पानी बचा के जाना होगा क्योंकि आज बहुत धूप है, ऊपर में बीच में कहीं पानी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो हमें टोटल डिस्टेंस 7 किलोमीटर तय करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है और आज बहुत धूप है। तो हम लोग यहाँ से ऊपर से यहाँ से शॉर्टकट मारने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, इसकी भी है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो गाइस ये बहुत ही खतरनाक चढ़ाव है, शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग एक अच्छा खासा चढ़ाई चढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं पीछे दो शेर लगे हुए हैं साथ में आने के लिए। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा चट्टान है और इसे सीधे चढ़ना होगा हम लोग को। अरे यार, अरे हाथ धो, एक सेकंड इधर इधर आना। उधर से ट्राई करते हैं, इधर से आते हैं, इधर से हम लोग चढ़ सकते हैं आई थिंक, बच बच के यहाँ से कह के गिरेंगे तो सीधा बचने का कोई चांस ही नहीं है। अरे बहुत ऊंचाई है। हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। आ जाओ अंदर। तो गाइस लगभग हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ आप पीछे अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। तो आप देख सकते हैं हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं, और यहाँ से भी कुछ लग रहा है चढ़ना पड़ेगा, और पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। ऊपर आने के बाद कुछ राहत मिल रहा है, लग रहा है कि हाँ कुछ मेहनत किया है, और देखते हैं आगे क्या होता है। कहाँ? तो गाइस हम लोगों ने एक पड़ाव पार कर लिया है, इसके बाद भी एक चढ़ाव है और शायद इसके बाद भी हो, पता नहीं। ए जल्दी जल्दी बढ़ो तुम लोग। कितना दूर हो रहे? अरे अभी आ गए या नहीं? अभी तो शुरुआत है, अभी तो हम लोग पहला पड़ाव पार किए हैं, इसके बाद और अभी बहुत बाकी है। अरे भाई बच के। गाइज आप लोग देख सकते हैं काफी काटा है यहाँ पर। तो गाइज लगभग हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और इधर यहाँ से किधर जाना है गूगल मैप देखो तो भेजो, मेरे में भी नहीं है। तो गाइज यहाँ ऊपर में शायद नेटवर्क नहीं है, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग को अंदाजा लगा कर आगे बढ़ना होगा। सूरज के दिशा से पश्चिम तो मुझे लगता है शायद इस दिशा में चलना है। तो गाइज हम लोग इधर बढ़ रहे हैं, और इधर पीछे का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं।
थोड़ा पानी दे दो अरे बहुत कम पानी है अरे भाई गाइस पानी खत्म हो गया है बहुत और अभी पता नहीं हम लोग कहाँ है और ये भी नहीं पता है कितना अभी जाना है बस यहाँ पर एक मैन मेड रास्ता है उसी को हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है हम लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं अभी और ये जहाँ जाता है हम लोग देखते हैं कहाँ जाता है उसके बाद ही पता चलेगा गाइज हम लोग को शायद इधर जाना पड़े और काफी जंगल है पता नहीं कैसे पार करेंगे हम लोग गाइज ये इसको देखिए छोटा छोटा पौधा में फंस जा रहा है गाइज हमें लगता है कि हम लोग गुम हो चुके हैं और ये रास्ता है पता नहीं यहाँ से कैसे हम लोग पार होंगे देखते हैं आगे जाके क्या होता है तो गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं जंगल में और यहाँ से कहाँ जाना पता नहीं आप देख सकते हैं काफ़ी खतरनाक जगह है और यहाँ पर एक गुफा जैसा कुछ मिला है और अरे बाल शेर वाला लग रहा है शेर चला हो सकता है गाइस आप लोग देख सकते हैं ये देखिए हम लोग की गुफा का खोज किया तो गाइस यहाँ से पूरा एक ऊपर से पहाड़ी पार करना था पर नीचे से हम लोग को एक गुफा नुमा रास्ता मिला है और देखते हैं आगे क्या होता है और यहाँ से तो रास्ता कुछ पता नहीं चल रहा हमें लगता है कि हम लोग गुम हो चुके हैं ये पहाड़ी पार कर चुके हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं तो गाइस हम लोग काफी थक गए हैं और अरे भाई क्या हुआ हो ए पानी दो इसको अरे पानी पानी तो खत्म हो गया था पानी का सोर्स ढूंढना पड़ेगा हाँ तुम्ही तो पानी का सोर्स ढूंढ लेगा इधर तुमको पानी मिल जाएगा ना पानी का सोर्स भी नहीं जब तक वाटरफॉल तक नहीं जाएंगे ए चलो चलते रहो अरे चलते रहो थोड़ा सा और चलना ज्यादा दूर नहीं है अरे हम लोग पानी का सोर्स के पास ही जा रहे हैं इसको टांग रहे हंसू इसको टांग गाइस पानी खत्म हो गया है और यहाँ काफी गर्मी है आप देख सकते हैं सूरज दम सर पे ही उगा हुआ है और ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं बताइए तो गाइस हम लोग का स्क्वाड का एक बंदा नॉक हो चुका है उसको हम लोग को उठा के ले जाना पड़ रहा है और रिवाइव देने के लिए हम लोग को पानी का जरूरत है जब तक हम लोग को पानी नहीं मिलता तब तक वो रिवाइव नहीं हो सकता है आप देख सकते हैं इसका हालत तो गाइस आप लोग देख सकते हैं एक और पहाड़ी हम लोग को पार करना पड़ेगा और चलते हैं वाह पानी नहीं है और ये लोग बिस्कुट खा रहा है पता नहीं अरे यार आराम से आना ठीक है बिस्कुट है मेरे पास यार
गाइस ये लोग पगला गया है, ये लोग को लाल किला दिखाई दे रहा है सासाराम में। हाँ तो गाइस हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं और यहाँ से अभी काफी हम लोग को आगे जाना है। अभी तक हम लोग को पानी नहीं मिला है, इसको देखिए कुछ देर में ही भगवान के पास पहुंचने वाले हैं। ये भगवान के पास पहुंचने वाला, चलो चलो चलो। अरे रुक जा यार, यार धकेल दे। अरे इधर से चल सर, चलो। अरे यार चल रुकने, इसी बात लगा ले ऊपर से। नीचे आ जा, इतना रुक जा, पूरी हमारे गिर उठ जी। अरे गिर जी, मर जी बे। ज्यादा दिक्कत नहीं ना है, इधर किधर से लेके आ जाता है। वो हमारा पता लगा, हम तो पता लगा। इससे अच्छा एक गाड़ी गाड़ी कर लेता लो। कोई नहीं, इसी को तो एडवेंचर कहते हैं गाइस, यही तो एडवेंचर है। एडवेंचर के चक्कर में पूरा पसीना निकाल दिया, पानी अभी लेने पे वाट लगा। तो गाइस ये एक बरगद का पेड़ है और यहाँ पर कुछ देर बैठकर हम लोग आराम कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पानी का तो सोर्स है पर ये पीने लायक नहीं है। चारों तरफ पहाड़ और जंगल, देख ले डर फुटते हैं। गाइस आप लोग सुन सकते हैं, इस डायरेक्शन से झरने का पानी गिरने का आवाज आ रहा है और हम लोग इसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और कुछ लोगों का चिल्लाने का भी आवाज आ रहा है। वहां जाने के बाद दिखाते हैं वहां जाना जा रहा है। ये मांदरकुंड नहीं है? अरे तो धुआं कुंड है। तो मांदरकुंड किधर है? वो कौन सा कुंड बोला था? अबे इब नहाए वाला नहीं, मुझे देखे वाला खाली धुआं कुंड है, बहुत खतरनाक का डोला। हाँ अरे मांदरकुंड में पानी आता, धुआं कुंड है, दो कदम पीछे है। दो कदम तक पीछे नहीं होगा। अरे चलो ना, अबे रुक, तू सबका रिएक्शन देखेंगे। अबे अभी हम आते रिएक्शन देखेंगे सबका। रिएक्शन हम लोग पहुंच गए हैं, रिएक्शन रिएक्शन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहुंच गए हैं, खत्म हो गया। और रुक हो गया, वाह वाह गाइस क्या नजारा है, मस्त है। डुअल वीडियो जा करना चाहिए। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग धुआं कुंड के पास पहुंचे हैं और हम लोग को जाना था मांजर कुंड, और मांजर कुंड का पानी ही यहाँ कर नीचे गिरता है और इसे ही धुआं कुंड कहते हैं। धुआं कुंड पहले देखेंगे, उसके बाद मांजर कुंड जाके अपना नहाएंगे मस्ती करेंगे। यहाँ का पहले नज़ारा देख लेते हैं और काफ़ी धूप ही है और इस कड़ी धूप में हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। काफ़ी मज़ा आ रहा है, देख सकते हैं, बस ज़्यादा आगे मज़ा आ रहा है। पानी किधर गिरी इसमें देखना, पानी देखे कि जगह खुद बस गिर जाना। तो और ये वाह गाइस, यहाँ से पानी दिख नहीं रहा है।
आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ काफी गहरा है और यहाँ पर मांझर कुंड का पानी गिरता है और इसे ही धुआं कुंड कहा जाता है। ये जाते गलती से फिसल के गिरा ना, नीचे मिलेंगे। ए पीछे चलो, मम्मी का वीडियो दिखा दो। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सीधे पानी नीचे गिरता है और वहाँ से अच्छा से हम लोग नज़ारा नहीं ले पा रहे थे, इसलिए हम लोग उस पार जा रहे हैं और एक अच्छा व्यू आप लोग के लिए रिकॉर्ड करने का कोशिश करेंगे। हाँ जाल वहाँ आदमी खड़ा ना सब मांझर कुंड। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ से बहुत ही खतरनाक नज़ारा है। हम लोग वहाँ थे और एक अच्छा नज़ारा लेने के लिए और हम लोग इस तरफ आए हैं और यहाँ से धुआं कुंड का एक अच्छा व्यू आएगा। तो थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हैं ये है धुआं कुंड का एक्चुअल व्यू जो कि हम लोग उस तरफ से नहीं देख पा रहे थे और ये काफ़ी ख़तरनाक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ सीधा पानी नीचे गिर रहा है और यहाँ पर मांझर कुंड से पानी होते हुए आता है। उस तरफ से इस तरफ आए एक अच्छा व्यू लेने के लिए। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे एक मंदिर है और वहाँ से भी देखेंगे धुआं कुंड का नज़ारा, वहाँ से भी कुछ फुटेज लेंगे और कुछ पिक्चर्स लेंगे और आए हैं तो लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हम लोग मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे और यहाँ से जो नज़ारा है धुआं कुंड का आपको कहीं से नहीं नज़र आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ शेरावाली का प्रतिमा है। तो गाइज हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ सर, यहाँ से मांझर कुंड जाएंगे। तो गाइज हम लोग धुआं कुंड से फाइनली मांझर कुंड पहुँच चुके हैं। आप ये पीछे देख सकते हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा अच्छा से, हम और करीब जाते हैं। तो गाइज हम लोग फाइनली मांझर कुंड पहुँच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं ये रहा मांझर कुंड और यहाँ पे लोग मस्ती कर रहे हैं। तो गाइस आप लोग ये नज़ारा देख सकते हैं, ये मांझर कुंड और हम लोग जा रहे नहाने। पीछे ये देखिए ये लोग अपना तैयारी में लग चुके हैं, मस्ती करना है पर सावधानी से। गाइस आप देख सकते हैं Thank you.
आते हम भी एक साथ। पत्थर काफी पिछड़ा हुआ है और बहुत ही खतरनाक है, काफी सावधानी से हमें आगे बढ़ना चाहिए। गाइस हम गिर गए गाइस, लेकिन कुछ नहीं हुआ गाइस। चल कैसे करेगा यार, तुम मेरा पैर देख रहे, लांगी लगा के गिरा रहा है सब। गाइस इतने खतरनाक जगह में तो दोस्तों हम लोग मांझन कुंड में स्नान करने के बाद अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग लगभग पहुंच ही गए हैं, और यहां से नीचे जाने के बाद हम लोग पायलट बाबा मंदिर जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग पायलट बाबा पहुंच गए हैं।
और ये रहा शंकर भगवान का एक भव्य मूर्ति। बहुत ज्यादा मूर्ति है, पत्नी के कुछ कुछ कहा है सारा भगवान की। बारिश आया हो तो गाइस हम लोग सीधा मांजर कुंड के बाद पायलट बाबा आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये है पायलट बाबा और यहाँ काफ़ी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, आपको दिखा दूँ। और ये एक मंदिर है जो कि पायलट बाबा का मेन अट्रैक्शन है, जिसमें मोबाइल ले जाना और वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना है, बट आप बाहर से देख सकते हैं और काफी भव्य है। तो गाइस अब हम लोग वापस जा रहे हैं ईरान से।